हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज हम ये पालक धो के काट लिया है हमने और आज हम बनाने वाले हैं पालक की मसाला पूरी। ये हमने 1.5 कप के करीब लिया है काटने के बाद ना, ये 1.5 कप है। इसको हम पीस लेंगे मिक्सी में फाइन पेस्ट। इसमें डालेंगे एक हरी मिर्च, अदरक आधा इंच, अदरक एक हरी मिर्च, थोड़ा सा धनिया, ये डालकर हम इसको पीसते हैं। ये देखिए महीन पेस्ट हमने इसका बना लिया है। और ये लिया है हमने 1 कप आटा, 1 कप से थोड़ा सा कम लिया है, बिल्कुल ऊपर तक भर के नहीं लिया है। 1 टेबलस्पून ऑयल, इसमें हमने मोयन डालने के लिए लिया है। ये 2 टेबलस्पून सूजी है, 2 टेबलस्पून बेसन है, नमक है स्वाद के अनुसार, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च है, ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालिए नहीं तो स्किप कर सकते हैं, आधा चम्मच जीरा है, और ये हींग है 2-3 पिंच, और 1 चम्मच धनिया पाउडर है। ये आटा ही रखा है तो नमक ये है। तो मिक्स करते हैं इसको सबको अच्छे से, और थोड़ी डालेंगे हम इसमें अजवाइन, आधा चम्मच के करीब। बहुत ही बढ़िया लगती हैं, और सर्दियों में ये पालक वगैरह सब आ रहा है अच्छे से, हरी पत्ते की सब्जियां। बस अच्छा ये है कि आपको इसको अच्छे से धो के और फिर आपको पीसना है। पालक है, मेथी है, कुछ भी है, वो आप बहुत अच्छे से धोइए। सब्जियों को वैसे भी बहुत अच्छे से धोना चाहिए। जब ये अच्छे से मिल जाए तो हमें पानी नहीं लेना है, केवल ये जो पालक की प्योरी है ना, इसी के साथ हमें आटा गूंथना है। तो थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और इसका सॉफ्ट डो लगाएंगे, थोड़ा सा सॉफ्ट, सेमी सॉफ्ट, क्योंकि इसमें सूजी है। जब हम 15-20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रखेंगे ना, तो ये फिर टाइट हो जाएगा। तो आपको ये गूंथ के मिलते हैं। ये देखिए आटा लग गया है। अब हम इसको ना 20-25 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। आइए आटा चेक कर लेते हैं। ये देखिए बहुत ही बढ़िया ये आटा हमारा तैयार है। और मैं आपको बताऊं, मैंने यहाँ पे ना इसमें पालक में बहुत ज़्यादा पानी डाल के नहीं इसको पीसा था, तो इसलिए उतना ही, थोड़ा सा ही पानी डालें ताकि वो पिसके तैयार हो जाए। और फिर उसमें अगर आपको पालक का पेस्ट ज़्यादा लगता है तो वेस्ट ना हो, आप उसमें थोड़ा सा आटा मिला लें। बाकी ये हमारा आटा बिल्कुल तैयार है। इसकी लोइयां तोड़ते हैं। ये देखिए हमने कुछ लोइयां तोड़ ली हैं, देखिए ग्रीन लग रही हैं बिल्कुल। और इसको एक एक को उठाएंगे, हल्का सा हमने हाथ पे तेल लगा लिया है। इनको बेलेंगे हम, ना ज़्यादा बहुत मोटा और ना पतला, ठीक है ना। आटा भी हमें थोड़ा सा टाइट ही रखना है। देखिए कितनी बढ़िया, नमक वगैरह आप पहले से ही अपने पसंद से डाल लें, नमक मिर्च जो भी है। ये देखिए इस तरह से हम सारी पूड़ियाँ बेल लेंगे, बेल के रख लेंगे एक बार, बहुत आसानी से बेल जाती हैं। और ये आप आलू की सब्जी के साथ खाइए, चटनी दही के साथ खा लीजिए नाश्ते में, और अगर आपने रोटी बनानी है तो इसी तरीके से रोटी बना लीजिए, मोयन मत डालिए। तो इनको फ्राई करते हैं। देखिए कढ़ाई में ऑयल जो है वो बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम डालेंगे इसमें ये पूड़ियाँ। तेल अच्छे से गर्म हो जाना चाहिए, है ना। और ये देखिए थोड़ा थोड़ा इसको हल्का सा ऐसे प्रेस करते रहेंगे। और ये देखिए फूली फूली पूरी, है ना। इसी तरह से हम दूसरी भी डाल देंगे, हल्का सा ऐसे प्रेस करिए, तेल अच्छा गर्म होना चाहिए, आटा बहुत अच्छे से मथा होना चाहिए, तो आपकी पूरियां बहुत ही बढ़िया बनेंगी। कुछ देर आटा जरूर रख दीजिए, है ना। और ये देखिए थोड़ी मेहनत के बाद कितनी अच्छी ये फूल गई है। तो इसी तरह से हम बना लेते हैं सारी पूड़ियाँ। और अब ये देखिए हमारी ये फूली फूली मसाला पूरी बनकर तैयार हैं। आपको मैं यहाँ दिखाऊं, देखिए किस तरह से बिल्कुल क्रिस्पी, है ना, है ना मज़ेदार।
तो जरूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।